तो गाइस फाइनली इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का न्यू अपडेट आ चुका है, जिसके न्यू मिथ्स आज हम लोग कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। लेकिन भाई उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि आज के मिथ्स बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले। हमारा पहला मिथ ये है कि अगर हम लोग जेट पैक से पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे जाके एग्जिट करते हैं तो हम सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको बस एक मिनी जेट पैक की जरूरत है, जिसका चीट कोड है 330। फिर इसको आप लोग को हवा में उड़ा लेना है और पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाना है। चिपक के जैसे ही आप एग्जिट करते हो गाइस, आप आराम से इसके सेकंड फ्लोर पे आ जाओगे, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन भाई इसका जो न्यू अपडेट आने वाला है उसमें पूरा पुलिस स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो बहुत ही जल्द आएगा। तो इसलिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रख लेना, वरना आप मिस कर जाओगे अपडेट को। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि न्यू अपडेट में घर को RGB करोगे तो वो अलग पैटर्न का दिखेगा। तो हमारा जो न्यू घर है गाइस, ये पहले RGB में अलग पैटर्न का होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा चेंज जो चुका है। तो वो अगर आपको चेक करना है तो जाके RGB टूल में हाउस कलर RGB लिख देना और आपको बिल्कुल एक न्यू पैटर्न दिखता है अपने हाउस का। पहले ये सिर्फ एक एक कलर में स्विच होता था, पहले रेड ग्रीन ब्लू येलो ऐसे करके होता था, लेकिन अब भाई पूरा एक साथ मिक्स कर दिया गया है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि स्कॉर्पियो को अगर हम लोग ब्लास्ट करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी। अब जो न्यू प्लेयर्स है वो ये सोच रहे होंगे कि सारी गाड़ियां तो यही होती है, बट ऐसा नहीं था गाइस। पिछले अपडेट तक स्कॉर्पियो ब्लास्ट करने पे भी ब्लास्ट नहीं होती थी, वो अपने डिफॉल्ट कलर में रहती थी और ना ही वो RGB होती थी। लेकिन हमारे लेटेस्ट अपडेट में अब स्कॉर्पियो RGB भी हो जाती है, और अभी तो मैंने इसको ब्लास्ट करके देखा नहीं है। तो चलो फिर चेक कर लेते हैं ये हमारा RPG, और ये तो ब्लैक हो गई गाइस, मतलब कि अब फाइनली हमारी स्कॉर्पियो ब्लास्ट होने लग गई है यार। सही में गाइस पहले ब्लास्ट होती नहीं थी कुछ भी, मान लो मतलब ब्लास्ट हो जाती थी लेकिन डिफॉल्ट ही दिखती थी वो। अब हम लोग देखते हैं क्या हम इसका कलर चेंज करेंगे तो इसका इंटीरियर वापस आएगा कि नहीं। वैसे कलर तो बाकी कार जैसा हो रहा है, और देखो RGB जब हम कर देते हैं ना तो किसी भी कार का इंटीरियर वापस आ जाता है, और इसका भी आ रहा है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि पुलिस स्टेशन में 1216 वाला सुपर जंप लगा देंगे सीढ़ी के सामने, फिर देखो मैजिक। तो गाइस हमारी जो सीढ़ी है यहाँ पे, आपको अंदर मालूम है कि यहाँ पे सीक्रेट सीढ़ी है, अगर आपको यहाँ पे जाना है ना तो सीढ़ी पे चिपक के यहाँ पे आप अल्ट्रा सुपर जंप लगा दो 1216 से, फिर डबल जंप मारोगे तो आप आ जाते हो सीढ़ियों के ऊपर। तो ये गाइस वही सीढ़ियाँ हैं जो हमारी अगले अपडेट में खुल जाएगी, इस अपडेट के लिए बंद है। लेकिन ये मत सोचना कि आप यहाँ पे फंस गए हो, ठीक है, यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते हो। आपको बस इधर आ जाना है बिल्कुल एंड पे, और यहाँ पे वापस जंप लगा देनी है सुपर जंप से, या फिर बिना सुपर जंप के भी लगाओगे तो भी शायद आप ऐसे ऊपर आ जाओगे, ठीक है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि JCB को अगर ब्लास्ट कर दें तो उसका ग्लास नहीं टूटता है। तो JCB का चीट कोड है गाइस 6677, और इसका जो ग्लास है वो तो पूरा ट्रैक्टर में ही लगा है। तो देखते हैं इसको, और ये क्या हुआ, ये तो आरपार निकल गई। एक सेकेंड में इसको फोड़ के देखता हूँ। गाइस मैंने फोड़ दिया JCB को और इसका ग्लास टूट तो गया शायद। भाई ग्लास दिख रहा है आपको कहीं भी, कांच दिख रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है ये पूरा टूट चुका है, मुझे कहीं भी कांच दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो नीचे यहाँ पे इसके दरवाजे पड़े हैं। दूसरी JCB मंगा कर हम लोग को ना इस पे गोलियां मार के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि AKM से सारे कांच फूट जाते हैं। लेकिन देखो इसका नहीं फूट रहा है, ठीक है ना गाइस। ये देखो कोई से भी कांच पे आप मान लो इसके कोई सा भी टूट नहीं रहा है गाइस, है ना। ये देख लो, ये बस लास्ट के पीछे का और बचा, ये भी दिखा देता हूँ, ये कोई सा भी कांच नहीं टूट रहा है। अब मैं इसको ना ब्लास्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो जब हम इसको ब्लास्ट कर देते हैं ना तो इसके जो कांच वाले दरवाजे हैं वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो फटते नहीं है, मतलब कि टूटते नहीं है गाइस। वो देखो ऐसे के ऐसे गिर गए हैं ना कांच, वो टूटे नहीं है। मैं आपको स्नाइपर से दिखाता हूँ, आपको नीचे भी दिख रहा होगा JCB के कि कांच भाई टूटा नहीं है, समझ रहे हो, गिर गया है लेकिन टूटा नहीं है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हमर ट्रक का स्पीडोमीटर काम नहीं करता है। हमर ट्रक का चीट कोड है गाइस 8880880, ठीक है, आ गई है। इसके अंदर बैठते हैं हम लोग और करते हैं फर्स्ट पर्सन। अब देखते हैं भाई, लेफ्ट साइड में इसके शायद क्लॉक लगा है और राइट में स्पीडोमीटर है जिसपे 22 लिखा है 22, मतलब कि ये सिर्फ एक फोटो है गाइस। आप देख सकते हो कोई भी ना हिल नहीं रहा है कहीं भी, कोई सी भी चीज़ कुछ हिल नहीं रही है, मतलब कि सिर्फ एक फोटो लगा दी गई है। तो ये नहीं वर्क करेगा, इसलिए ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि JCB और बाइक में साथ में बैठेंगे तो हमारा गेम ग्लिच हो जाएगा। तो JCB को बुला लिए, बाइक को बुला लिए, चलते हैं दोनों के बीच में और ऑप्शन कौन सा दवाएं, मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है कोई सा एक दबा के देखते हैं अभी क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है ग्लिच हो चुका है, डबल ग्लिच हो चुका है। रिमोट कंट्रोल JCB हम लोग को फाइनली मिल चुकी है गाइस, ठीक है। और बाइक के भी बिल्कुल ऊपर बैठ गया हूँ मैं, मेरा बंदा ना इतना बड़ा हो गया है कि JCB से बड़ा लग रहा है मुझे।
ये तो चलो एक ग्लिच हो गया, दूसरे वाले बटन पे दबा के देखते हैं और इस बार देखते हैं। अरे इस बार तो ऊपर ही फेंक दिया। तो गाइस यही है कि हमारा डबल ग्लिच हो जाता है, रिमोट कंट्रोल ग्लिच हो जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल जैसे बाकी गाड़ियों में होता है। ये देखो गिरते ही आउट हो गया, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू अपडेट में हाउस कलर आरजीबी करने से हाउस ट्रांसपेरेंट नहीं होता जो पहले होता था। अगर आप पिछले अपडेट से खेल रहे हो गाइस तो आपको मालूम होगा जैसे ही आप हाउस कलर आरजीबी कर देते थे ना तो अपना जो हाउस है ना वो अंदर से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता था, पूरा कांच का बन जाता था। लेकिन न्यू अपडेट में ये चीज फिक्स कर दी गई है। अब आप देख सकते हो कि पूरी जो दीवार है वो दीवार ही रहती है, कोई कांच नहीं बनती है और यहाँ पे थोड़ा सा हमें आरजीबी देखने को भी मिलता है। ऊपर वाली दीवार भी दीवार ही गाइस कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि पुलिस स्टेशन में 5 CCTV कैमरा है, तो जब भी आप पुलिस स्टेशन के अंदर आओगे तो आपको दिखेंगे गाइस यहाँ ऊपर लगे हुए हैं CCTV कैमरास। और CCTV ग्लिच करना अगर आपको नहीं आता है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में अपनी बताया है मिथ बस्टर्स की, इसलिए मेरे मिथ्स की वीडियो मिस मत क्या करो क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्लिचेस होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे 1, 2, 3, 4, 5 CCTV कैमरा। लेकिन ये CCTV कैमरा दिख कहाँ रहे हैं, मतलब कहाँ पे स्क्रीन लगी है, कहाँ पे मॉनिटर है, कहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये नहीं मालूम। तो गाइस अगर आपको यह देखना है तो हो सकता है कि RGS टूल में ऐसा कोई ऑप्शन हो, तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इधर मैंने RGS टूल में CCTV ऑन लिखा और कुछ भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो, तो मतलब कि वर्क नहीं कर रहे, लेकिन ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे और पुलिस स्टेशन की विंडो पर देखेंगे तो विंडो गायब हो जाता है लेकिन बाहर से दिखाई देता है। तो गाइस मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सारे कांच यहाँ पे हमें दिखते हैं, ठीक है, बाहर से एक एक कांच दिखता है, लेकिन जैसे आप अंदर आते हो अंदर से सारे कांच गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही मस्त वाला मैजिक है भाई। ये देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कांच है ही नहीं, लेकिन इसके आर पर हम जा नहीं सकते क्योंकि कांच लगा है लेकिन अंदर से दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूँ ये वापस दिखने लग जाते हैं और अंदर से फिर गायब हो जाते हैं। और इनका अगला मिथ ये है कि हम हमर के पिकअप में खड़े हो सकते हैं। तो हमर का चीट कोड है 8880 और हमर आपको मालूम है कि एक पिकअप ट्रक है, ठीक है गाइस। अब इसके ऊपर खड़े तो हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचा लग रहा है, तो एक गाड़ी बुलानी पड़ेगी मुझे जिसके ऊपर खड़े होकर फिर मैं इसके ऊपर कूदूंगा। तो पहले हम लोग चलेंगे इसके ऊपर, पोर्शे के ऊपर आ गए। अब यहाँ से मुझे जंप लगानी है भाई हमर के ऊपर, अभी भी ऊंची है यार, ये कैसे हो सकता है, थोड़ा पीछे से जंप लगाना पड़ेगा। आगे 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 ये देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई हमर के ऊपर और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, जैसे लोग इंडिया में बैठ के जाते हैं ना पीछे, वैसे भाई यहाँ पे सारा NPC को बिठा के ले जाऊंगा किसी दिन। लेकिन इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या हम लोग? नहीं नहीं ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। और हमारा अगला मिथ भी इसी के ऊपर है कि हमर कार में हम लोग फ्यूल टैंक रख सकते हैं। तो पीछे तो काफी अच्छी जगह है इसमें, लेकिन क्या क्या चीजें हम लोग इसमें रख सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो फ्यूल टैंक मैंने मंगाया भाई, ये क्या हुआ, आगे कैसे स्पॉन हो गया, थोड़ा पीछे की तरफ करना पड़ेगा, यहाँ पे करके देखते हैं। ये देखो नहीं गाइस स्पॉन अच्छे से करना पड़ेगा तभी वो रखाएगा उधर, इधर से करके देखता हूँ, एक एंगल दूंगा ना। हाँ अब ठीक है, आधा अधूरा तो आ गया लेकिन ये अंदर आ चुका है। अब इसको देखते क्या हम लोग टेलीपोर्ट करा सकते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट, भाई टेलीपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलो गाइस ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये देखो दूसरा वाला भी आ गया, अबे दोनों नीचे गिर गए, ये क्या हुआ, लगता है ज्यादा ढलान हो गई, नीचे ही चलते हैं हम लोग। गैस टैंक स्पॉन करके देखें हम लोग जीरो से गाइस, क्या पता वो आ जाए। ये भी आगे आ गया, रुको रुको थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं, अरे रुक जा भाई, अरे नहीं नीचे, ओ भाई ये क्या हुआ, मैं दब गया यार, इतने सारे गैस टैंक एक साथ गिरे गाइस। आप स्लो मोशन में ये सीन देखना, बहुत ही खतरनाक था, पूरे ऊपर गिर गए। लेकिन चलो भाई कुछ गैस टैंक यहाँ पे हमारे पिकअप में आ चुके हैं, अब इनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करा के देखते हैं। मुझे तो लग रहा है ये भी एक एक करके नीचे गिर जाएंगे, ये पहला गया दूसरा और ये सारे एक साथ, एक बचा है। तो चलो एक हमारा साथी है जिसको मैं लेके जा सकता हूँ। ये क्या निकल रहा है, चिंगारी क्यों आ रही है, लगता है कि गाइस इसमें यार सामान रखने का नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो इसमें से चिंगारी नहीं निकलती। मैं इसको रैम के ऊपर कुदा के देखता हूँ क्या ये गिरता है कि नहीं, देखो पूरा सीधा हो गया है लेकिन अभी तक गिरा ही नहीं भाई, उल्टा हो गया तब भी नहीं गिरा गाइस। चलो भाई ये सही है, ये अब गिर गया ठीक है। लेकिन आप रख सकते हो कोई भी चीज को अगर उसमें फिट आ गई और अच्छे से रखी है तो ये मिथ कंफर्म्ड है। तो ये मिथ अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में जाके अपने अपने बढ़िया वाले मिथ्स लिख दो जो कि हम लेंगे अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।